एक बार फिर से कोंडा गांव ले चलते हैं, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी को संबोधित करते हुए हैं। आज प्रदेश कांग्रेस समिति के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मोहन प्रधान जी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य आदरणीय कवासी लखमा जी, आदरणीय अमरजीत भगत जी, सांसद बस्तर भाई दीपक भाई जी, कांग्रेस के सांसद आदरणीय मंडावी जी, विधायक साथी भाई संत नेताम जी, शिशुपाल सूरी जी, चंदन कश्यप जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्वदेव नेताम जी, सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष आदरणीय सी आर बोराम जी, आदरणीय देवचंद बदलाम जी, गुलम सिंह नाग जी, मनिहार सिंह बदलाम जी, सोनधर बदलाम जी, दया सिंह राणा जी, भूत सिंह नेताम जी, दिनेश जी, श्री कुमार पात्र जी, धनराज कन्ना जी, गोकुलदास मानिकपुरी जी, भाई शंकर सोनी जी, बुधराम नेताम जी, सावतराम बुधराम जी, मंच के उपस्थित समाज के राजनीतिक दल के सब पदाधिकारी मन उपस्थित, सब सियान मन, दीदी बहनी मन, नौजवान संगवारी मन, हमारे अधिकारी मन और पत्रकार साथी, चौबीस अक्टूबर 1945 से संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन होने के 50 साल बाद ये महसूस किए गए इक्कीसवीं सदी में पहुंचने के बाद भी दुनिया के विभिन्न देश में आदिवासी मन निवास करते, उकर मन के विकास, उकर मन के उत्थान, उकर मन के सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत, ये सब ध्यान में रखते हुए 9 अगस्त से विश्व आदिवासी दिवस के घोषणा की गई और तब से लेके अब तक के आदिवासी समाज आदिवासी दिवस के रूप में इनका आयोजन होते पूरा दुनिया होते यहाँ यहाँ आदिवासी भाई में बैठे, लेकिन ये बात की प्रसन्नता है हमारे छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी रहे के बाद भी कोई साफ की छुट्टी नहीं रही थे, हमारे साथी मन के मांग रहे थे कि ये दिन छत्तीसगढ़ सरकार छुट्टी की घोषणा करे और ये साल पहली बार विश्व आदिवासी दिवस के अवसर में साल की छुट्टी की घोषणा के लिए आप सब बधाई और शुभकामना और एक साथ हरियाणा के भी छुट्टी, टीचर के भी छुट्टी, शर्मा के भी छुट्टी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के त्योहार वह बहुत ही सब धर्मी रूप से मनाधन होकर देते हैं, एक छुट्टी की घोषणा किए गए। अभी काटे, अभी काटे, आदरणीय साथियों, आप सब पता है कि जब से हमारे सरकार बने हैं आदिवासी मन के हित में लगातार फैसला करा, सबसे पहले जो पिछले सरकार आदिवासी मन के जमीन खरीदी बिक्री के अनुमति दे रही थे उधर समाप्त करे के फैसला करें, एक काला कानून छत्तीसगढ़ में हुए आदिवासी जमीन आदिवासी खरीद कर, दूसरा फैसला लोहानी गुड़ा में जन आदिवासी मन की जो जमीन है
उधर टाटा और खरीदने के लिए से पूरा हिंदुस्तान एक आज दुनिया में आदिवासी वर्ग के जमीन छीनने के काम में करे जाते, लेकिन ये छत्तीसगढ़ सरकार आप मन के सरकार आदिवासी वर्ग के जमीन वापस ये आप मतलब अभी खाद्य मंत्री बता रही थे ये जमे तो 10 किलो चावल दूजी नहीं तो 20 किलो चावल और 3 जन है तो 35 किलो चावल ये सरकार भी नवीनीकरण करे के काम चलत है। उन्हें तेजी से आप सब का भागीदार बनना है। आप सबसे यू करना चाहता जय मन गरीबी रेखा नीचे नहीं आए यू मल्ल चावल ने एक फैसला चाहे वो गांव के कोटवार कावर न हो चाहे जिला के कलेक्टर कावर न हो चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो या मुख्यमंत्री भी चावल लेना चाहे तो भूल हम देवो रामा सिंह मांगे तो हम चावल आज छत्तीसगढ़ और बस्तर में हर प्रकार के खदान हावे एनएमडीसी बहुत दिन से चला थे उसका हेडक्वार्टर कहाँ है हैदराबाद में। हमारे लेखा वाला मौका नहीं मिले एनएमडीसी के चेयरमैन आए जी से खदान यहाँ के कार्यालय हैदराबाद में नौकरी बाहर नौकरी तुम्हें के लेकर मिली और अब जिन परीक्षा हुई दंतेवाड़ा जगदलपुर में हुई ताकि हमारे बस्तर के लेकर मतलब नौकरी मिल सके। हमारे परिचय चयन बोर्ड बस्तर और सरगुजा में बनाया है ताकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी में के भर्ती की परीक्षा हमारे बस्तर में हो सके हमारे सरगुजा में हो सके। आज बहुत जन हमारा आदिवासी भाई वाला भी सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष सर्व आदिवासी के अध्यक्ष मांग करे बहुत जन मतलब खरीद केस में हमारा आदिवासी वाला फंसा दे मांग करे हम समिति बना रहे हैं उच्चतम न्यायालय के रिटायर जज अधिकार अध्यक्ष समिति बने हैं वो मांग करे कि गुवाहाटी होना चाहिए गोड़ी में हल्दी में बात कर सके हम आपके मांग का स्वीकार कर वो दिन कमेटी ने एक व्यक्ति हम उम्मीद कर वो दिन आपके भाषा समझ सकते हैं और वो मतलब आपके बात को समझा सकते। आज लघु अनुपज के बारे में मोहन भाई बात कर रहे थे ममता प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना के साथ साथ जिन 15 लघु अनुपज है एकरो साथ की दर पे खरीदी होना चाहिए एकरो व्यवस्था हम कर था। आज जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिन प्री मेट्रिक छात्रावास है आवासीय छात्रावास जो बना थे होकर मन के छात्र के 1000 रुपये मांग करे मंच के माध्यम से मैं घोषणा करा था प्री मेट्रिक छात्रावास के छात्र मतलब 1000 रुपये दिए जाएंगे। जो बात आप लोग कहना चाहता आज सबसे ज्यादा कुपोषित नीति आयोग के आंकड़ा है कि हमारे यहाँ 5 साल से कम की उम्र के जो लेकर है लेकिन 37.60% बच्चा कुपोषण के शिकार है। 15 साल से 49 साल की उम्र के हमारे माता मना 41.50% एनीमिया से पीड़ित है कुपोषण और एनीमिया से हर साल हमारे देश के लाखों बच्चा मौत हो जाते लाखों बच्चा कुपोषण के शिकार हो रहे थे उनका विकास नहीं हो पाते बौनापन है और जब माता जब कुपोषित थी तो फिर लड़का भी कुपोषित हुई और ये बात का ध्यान में रखते हुए पहले के सरकार में जे पैसा है ये नियम
क्षेत्र है, जय जिला आकांक्षी जिला है, उन्हें 2 अक्टूबर के हर दिन कुपोषित बच्चा है, एनीमिया से पीड़ित माता मन है, वो मतलब गर्म भोजन दे के फैसला हम करे हैं, उनका शुरुआत को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हो चुके हैं, 2 अक्टूबर के जरूरत पूरा सब हमारे आकांक्षी जिला है, लेकिन शुरुआत कर रहे हो ये भारत की भी घोषणा मैं करा रहा हूँ, ताकि हमारे लड़का मजबूत हो, हमारे बेटी माई मन मजबूत हो, ताकि आने वाला जन पीढ़ी है, आने वाला जन छत्तीसगढ़ है, मजबूत छत्तीसगढ़ बने, स्वस्थ छत्तीसगढ़ बने, ये बात मैं इसके मंच माध्यम से घोषणा करा रहा हूँ। आज हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है, ये बचाए के काम हम सब ने मिलकर करना है, हमारे पहचान बने रहना चाहिए, एक अगर जो भी काम करे पड़ी निश्चित रूप से हमें लग करना है, और ये बात की प्रसन्नता है कि देश के आजादी की लड़ाई में जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ाई करेगी, वहीं हमारे आदिवासी भाई बहन भी दोनों पर पीछे नहीं गए, चाहे छत्तीसगढ़ के हमारे पुरखा गरम सिंह हो, चाहे वीर बुंदा सिंह हो, चाहे वीर शहीद वीर नारायण सिंह हो, ये भारत माता गुलामी से जंजीर में काटे काम हमारे आदिवासी नेता मन करे, आजादी के लड़ाई के ऊपर उनके बड़ा योगदान है, वो पुरखा वाला स्मरण करा था, प्रणाम करा था, कोनो प्रकार के नहीं नेतृत्व में कहो आदिवासी मन पीछे नहीं रहे, पढ़े लिखे में भी पीछे नहीं रहे, अभी 3 दिन लेकर जेलर यहाँ प्रशिक्षण देगी, और आज उपरमन के एनबीबीएस में सिलेक्शन हुए, मतलब बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए प्रत्येक अगर काम में दिलाओ, प्रत्येक योगदान आदिवासी मन कर दिलाओ, आप सब जाना करो, मैं आपसे ही कहना चाह रहा हूँ, ये दिवस हम सब के स्वाभिमान के दिवस है, जिला हम सब बहुत गर्व के साथ मनाते हैं, और आप सब से ही कहना चाहते हैं कि आदिवासी मन के हित, आदिवासी मन के हक की लड़ाई छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर करत आए और आगे भी करत रही, ये बात करते हुए कुछ मांग हमारे स्वामी मन करे, यहाँ के लिए तो हम कॉलेज पढ़ना चाहते, कॉलेज मन के सीट के कमी है, मैं अभी कमिश्नर वाला कहें कि सीट बढ़ाएगा, वहाँ शिक्षा विभाग से अनुमति लेके सीट मतलब बढ़ाए के काम किया जाए, ताकि हमारा ये आदिवासी अंचल के लेकर मतलब पढ़ने में कोई प्रकार की तकलीफ ना हो, क्षेत्रीय विधायक अहमद प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष मोहन मकाम हमारे अध्यक्ष आदिवासी, हमारे चीफ सेक्रेटरी आदिवासी, हमारे कमिश्नर आदिवासी, यहाँ के कलेक्टर आदिवासी, अब हमारा अध्यक्ष जी आदेश दे यहाँ के कॉलेज के मांग करे और निर्माण कार्य पर मांग करे, ये मैं तो अध्यक्ष के आदेश को सर्वोपरि से जिला इनकार नहीं किया जा सका है, ये भी मांग है, समय में समय समय आते निश्चित रूप से हम पूरा करवो, ये बात करते हुए जिन चार सिंह मन के नाम सुन के इसी लेकर आदिवासी समाज के अध्यक्ष मांग करे, हमारे मोहन भाई मांग करे, ऊपरो मन के मांग और कैबिनेट में रखे थे पर आदेशित कर दे हम, ताकि जे भी नाम छूटे हैं नाम छूट जाए, और यू बात करना चाहता हूँ, आज हमारे गाँव में पटेल नहीं है, पटेल की भी नियुक्ति होना चाहिए, कोटवाला के भी नियुक्ति होना चाहिए, ये काम तो बहुत तेजी से हमें करना है, ये बात करते हुए आप सब आदिवासी दिवस के बधाई और शुभकामना देते हुए तो मैं इंतजाम देता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय गुलाम देवी। त्यौहार के मुख्य अतिथि आप था, विमोचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ माँ के पास नरवा नरवा धुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी किला बचाना है तनवारी, जी हाँ साथियों आपका ये जज्बा सारा मन आप इस दावा का इस्तेमाल में आए, हमारे हृदय जो बहुत खिल गया, कष्ट हुआ होगा आपको, लेकिन गौरव हमारा बढ़ गया, गौरव हमारा बढ़ गया, नरवा गरवा गुरुआ और भाई छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी किला बचाना है संगवारी।
आज के समारोह के यशस्वी छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत सम्मान के साथ ये विभूषण जो आप आगे से स्वागत करेंगे। और मैं अधिकार पत्र बांटने के लिए मैं कृपया आमंत्रित करता हूँ मयूर डोंगर 210 हेक्टेयर मयूर डोंगर दूसरे क्रम में चार गांव 774 हेक्टेयर मनोहर संग्रह में विस्तार हेतु प्रथम नंबर में मयूर डोंगर द्वितीय क्रम में चार गांव 774 हेक्टेयर मनोहर संग्रह में विस्तार हेतु ग्राम बमनी 341 हेक्टेयर वनोपज संग्रह में विस्तार हेतु अनंतपुर 240 हेक्टेयर मनोपज संग्रह हेतु आठवें क्रम में राजा गांव 242 हेक्टेयर चारा एवं मनोपज संग्रह हेतु और नवें क्रम में है कुमार गांव का पास 217 हेक्टेयर चारा एवं मनोपज संग्रह हेतु बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ शासन को उनके यशस्वी मुख्यमंत्री को माननीय भूपेश बघेल जी को।